नमस्कार, मैं प्रियंका दिवासी नव भारत के इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं अब तक की बड़ी खबरें। गौतम अडानी बने दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स के आंकड़ों के अनुसार एलन मस्क और जेफ बेसोस के बाद गौतम अडानी अब $137 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति है। इसी के साथ गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। बाबरी विध्वंस सहित गुजरात दंगों की सब कार्यवाही बंद। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी विध्वंस सहित गुजरात में 2002 के दंगों से उत्पन्न सब कार्यवाहियों को बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि समय बीतने के साथ मामले अब निष्फल हो गए हैं। इंदौर के दिव्यांग इंजीनियर को मिला 50 लाख का पैकेज। यश सोनकिया प्रदेश के ऐसे पहले दिव्यांग इंजीनियर स्टूडेंट है जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट ने जॉब ऑफर की है। यश की कोडिंग स्पीड देखकर माइक्रोसॉफ्ट की लीडरशिप ने उन्हें ये जॉब ऑफर की है। इराक में श्रीलंका जैसे हालात। शिया धर्म गुरु मुक्तदा अल सदर ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया। इसके बाद सेना ने कर्फ्यू लगाया, लेकिन अल सदर के समर्थक सड़क पर उतर गए। सदर के हजारों समर्थकों ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया। सुरक्षा बलों की जवाबी फायरिंग में 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बड़ा झटका। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में जम्मू कश्मीर के 64 से अधिक वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। एक संवाददाता सम्मेलन में ताराचंद, पूर्व मंत्री अब्दुल मजीद वानी, मनोहर लाल शर्मा, घरूराम और पूर्व विधायक बलवान सिंह सहित कई नेताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपने इस्तीफे की घोषणा की।